दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे गलतियों के बारे में जो आप सभी लोग कलेनवार के दौरान करते हैं और जिसके चलते आपको सिर्फ दो ही स्टार या एक स्टार मिलता है या फिर आप कलेनवार लीग ही हार जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी गलतियों के बारे में और कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि आप परफेक्ट 3 स्टार ला सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रूप कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा यूज करते हैं, लेकिन जब अटैक करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 2 ही स्टार मिलता है या 1 स्टार मिलता है, परफेक्ट 3 स्टार नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 3 स्टार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अटैक देख लेते हैं। तो ये बंदा टाउन हॉल 16 पर अटैक करने वाला है, क्योंकि इसका भी टाउन हॉल 16 लेवल का ही है और इस बंदे के पास सारे हीरोज मैक्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपना बैटल ब्लिंप यूज करता है, लेकिन दोस्तों जो बैटल ब्लिंप यूज कर रहा है यही इसका सबसे बड़ा मिस्टेक होने वाला है, क्योंकि बैटल ब्लिंप को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस के पास पहुँचाना होता है। क्योंकि जो बैटल ब्लिंप के अंदर ट्रूप्स होते हैं उसको आपको ऐसा रखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेज को ख़त्म कर सके, और साथ ही आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो बैटल ब्लिंप के अंदर ट्रूप्स है वो तो टाउन हॉल को पूरा का पूरा निकाल लें, क्योंकि अगर टाउन हॉल निकल जाता है तो बेस थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसके ट्रूप्स लगता है कि टाउन हॉल को नहीं क्लियर कर पाएंगे और इसका सारा जो इनविजिबल स्पेल है वो सारा खत्म हो चुका है और डिफेंसेज भी ज़्यादा हार नहीं पहुँचा है इससे, बस 1-2 ही डिफेंस खत्म हुए हैं। और देखिए दोस्तों, इसने सबसे बड़ा गलती यहाँ पर करी है कि इस बंदे ने रूट राइडर अपना इधर से छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये दूसरे कॉर्नर से छोड़ता तो शायद परफेक्ट 3 स्टार हो पाता। अब देखते हैं कि क्या यहाँ से 3 स्टार हो पाता है इस बंदे का। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसने सारा ट्रूप्स ही गलत उतार दिया है। पहले तो इसने बैटल ब्लिंप गलत जगह छोड़ दिया और उसके बाद इसने रूट राइडर को भी गलत जगह उतार दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको भी लगता है कि 3 स्टार नहीं मिल पाएगा जैसा कि मुझे लगता है, और इसने अपना हीरोज का पावर एबिलिटी भी यूज कर लिया है और इसके सारे डिफेंसेज अब मारे जा चुके हैं क्योंकि इसका सारा रूट राइडर खत्म हो गया है और बस सिर्फ क्वीन बचा हुआ है, लेकिन अभी भी टाउन हॉल बचा हुआ है। इस बंदे ने सिर्फ 88% ही डिस्ट्रक्शन किया है और टाउन हॉल भी बचा हुआ है अभी तक। तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसे 1 स्टार मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा गलती करते हैं तो आपको भी सिर्फ 1 स्टार या 2 स्टार मिल सकते हैं। अब इसका सिर्फ टाइटन बचा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 3 स्टार या 2 स्टार कर पाएगा, क्योंकि टाइम भी अब सिर्फ 30 सेकेंड बचा हुआ है और इसे जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आप किस तरह से 3 स्टार ला सकते हो किसी भी ट्रूप का यूज करके, और साथ ही हम अटैक करके आपको दिखाने वाले हैं किसी भी बेस पे, चाहे वो टाउन हॉल 16 का हो या 15 का हो या 14 का हो, सबके लिए एक ट्रूप्स बहुत ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, चलिए मैं अभी अटैक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप 3 स्टार ला सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 7 ड्रैगन और कुछ लून, और मैं भी यहाँ पर बैटल बीम के अंदर अपना सुपर आर्चर यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना बैटल ब्लिम ऐसे जगह छोड़ना है जहां से आप टाउन हॉल तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाउन हॉल निकल जाता है तो उसके साथ कुछ डिफेंसेस भी निकल जाते हैं और टाउन हॉल के अंदर तो इतना पावर होता है कि वो आपके डिफेंसेस को ऐसे ही खत्म कर देता है। तो मेरा बैटल ब्लिम के अंदर जो ट्रूप्स था वो टाउन हॉल को निकाल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मोनोलिथ और 1 इन्फर्नो को भी खत्म कर दिया है, और यहाँ आर्चर को भी थोड़ा डैमेज किया था, लेकिन अब मेरा सारा ट्रूप्स खत्म हो चुका है। और मैं अब इधर से थोड़ा सा क्लियर करूँगा, क्योंकि इधर पे कोई डिफेंस नहीं है, तो यहाँ पे 1 ड्रैगन छोड़ देता हूँ और दूसरे साइड से यहाँ पे 1 ड्रैगन छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं एक साइड से सारे अपने ट्रूप्स को, ड्रैगन को एक ही जगह छोड़ देता हूँ, और वहाँ पे ग्रैंड वार्डन को भी ट्रूप्स के साथ ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रूप्स यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर ग्रैंड वार्डन को यूज कीजिए, क्योंकि ग्रैंड वार्डन के पास ऐसा एबिलिटी होता है जिससे कि आप अपने ट्रूप्स को हमेशा रेज मोड में रख सकते हो, और साथ ही यहाँ पे हीलर स्पेल भी ग्रैंड वार्डन के पास होता है जिससे कि आपको ट्रूप्स को हील करते रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पे अभी ड्रैगन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आधा से ज्यादा वैल्यू निकाल चुके हैं, अब सिर्फ 50% के आसपास बचा हुआ है, और मैं दूसरे साइड से यूज करूंगा अपना क्वीन और किंग। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर से क्वीन और किंग साथ में जा रहे हैं और इधर से सारे ड्रैगन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ईगल आर्टिलरी बचा हुआ है और कुछ देर में ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे ड्रैगन बचे हुए हैं और इसका जो बेस है वो सारा तबाह हो चुका है, सिर्फ 10% बचा हुआ है दोस्तों। और इस तरह से आप किसी भी बेस पे 3 स्टार आसानी से ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये आइडिया रखना होगा कि बैटल ब्लिम के अंदर जो ट्रूप्स होते हैं वो तो टाउन हॉल को पक्का निकाल ले, और दोस्तों आप इस ट्रूप कॉम्बिनेशन से आसानी से किसी भी बेस पे 3 स्टार ला सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेस था वो 16 मैक्स था। तो आप भी 3 स्टार के लिए इस ट्रूप कॉम्बिनेशन का यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक फनल बनाते जाना है, क्योंकि आगे जो ट्रूप्स है वो फनल के हिसाब से ही आगे जाते हैं और सारे डिफेंसेज को खत्म करते हैं। तो अगर फनल सही नहीं बनता है तो आपके जो ट्रूप्स है वो इधर उधर भटक सकते हैं, और जिससे कि आपको 1 स्टार या 2 स्टार ही सिर्फ मिलेगा, लेकिन अगर एक बार फनल बन गया तो आपको 3 स्टार पक्का मिल जाएगा। ये तो ड्रैगन का अटैक हो गया, अब मैं दूसरा अटैक दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत ही सिंपल अटैक रहेगा और ये ट्रूप कॉम्बिनेशन
एप्लीकेशन भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा किसी भी बेस के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी टाउन हॉल 16 का बेस है और इस पर मैं यूज करने वाला हूँ सुपर ड्रैगन। तो इसके लिए भी सबसे पहले फनल बनाने पड़ेगा, क्योंकि अगर फनल नहीं बनाते हैं तो ड्रैगन इधर उधर भटक सकते हैं और इससे 3 स्टार आने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए दोनों साइड से पहले कुछ बिल्डिंग्स को खत्म कर देते हैं ताकि जो सुपर ड्रैगन है वो सीधा बीच में जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर से थोड़ा बिल्डिंग्स को कम कर दिया है और अब दूसरे कॉर्नर से भी कम करना होगा। लेकिन सीसी के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं तो उसको जो यार क्वीन है वो बड़े आसानी से देख लेगा। और दोस्तों अब दोनों साइड से क्लियर हो चुका है, तो अब ड्रैगन जो है वो सीधा बीच में जाएंगे और 3 स्टार तो पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे ड्रैगन को डाल देते हैं और साथ में ग्रैंड वार्डन को भी यूज करेंगे, क्योंकि ग्रैंड वार्डन हील करते रहेगा सारे ड्रैगन को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बैटल ब्लिंप एकदम टाउन हॉल के पास छोड़ा है, क्योंकि टाउन हॉल के पास छोड़ने से ज्यादा वैल्यू निकाल सकेंगे और टाउन हॉल को तो पक्का फोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल पक्का फूट चुका है और 70% के आसपास वैल्यू भी निकल चुका है। और अभी भी मेरे सारे ड्रैगन बचे हुए हैं, क्योंकि अभी एक ड्रैगन ही सिर्फ खत्म हुआ है और हीरोज भी बचे हुए हैं। हीरोज तो मेरे सारे मैक्स लेवल के थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फर्नो थोड़ा मुश्किल दे रहा है, लेकिन अभी भी एक ड्रैगन बचा हुआ है और अभी भी हीरोज बचे हुए 2-3। तो दोस्तों ये तो 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो ये सुपर ट्रूप्स हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और जो ये ड्रैगन का कॉम्बिनेशन होता है वो भी आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं किसी बेस पे 3 स्टार लाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको किस वजह से ये वीडियो पसंद नहीं आया है।